अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वनीला स्पॉन्ज केक। ये केक खाने में तो बहुत टेस्टी बनता ही है, साथ ही में आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन चुका है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा। अगर मेजरिंग कप से देखेंगे तो ये आधा कप मैदा है। इसी के साथ मैंने ली है आधा कप पिसी हुई चीनी यानी कि शक्कर। उसके बाद मैंने लिया है आधा कप से थोड़ा सा कम बटर, इसको मैंने मेल्ट करके लिया है। आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए 4 अंडे। बेकिंग पाउडर हमने लिया है 1.5 टीस्पून। उसी के साथ हमने लिया है वनीला इसेंस जो कि 1.5 टीस्पून है। इस केक में हम बेकिंग सोडा का यूज नहीं करेंगे, तो बस यही 6 चीजों के साथ हमें केक बनाना है। तो चलिए केक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जो ये 4 अंडे हैं इन्हें फोड़ के ले लेंगे। अब हम हैंड ब्लेंडर का यूज करते हुए इन अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। पहले हमें स्पीड कम रखनी है और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अंडे को हमें तब तक फेंट लेना है जब तक ये पूरा व्हाइट एंड फ्लफी ना बन जाए। अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना चेंज हो चुका है। आपको केक वेक बनाना पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह के जो हैंड ब्लेंडर्स आते हैं इनमें जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इससे काम बहुत आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया है तो अब हम इसमें मिलाएंगे ये जो मेल्टेड बटर है। उसके बाद में हम डालेंगे ये जो पाउडर शुगर है यानी कि पीसी हुई चीनी है, इसे भी हम अभी मिला लेंगे और दोबारा इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ वनीला इसेंस और बस कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसे भी मिक्स कर लूंगी। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो हम एक छन्नी लेंगे और उसमें ये मैदा डाल देंगे। उसी के साथ मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर भी और अब इसे अच्छे से छान लूंगी। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, जब भी आप मैदे से कोई भी चीज बना रहे हो, अगर आप मैदे की पूरी भी बना रहे हो तो आपको मैदा छान के ही लेना है। इससे जो भी पूरी आप बनाओगे बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दी है तो कट एंड फोल्ड मेथड से हमें ये बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिए कि आपको यहाँ गोल गोल नहीं घुमाना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करना है। इससे मैदे की कोई गुठलियां नहीं होंगी और आपका केक बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाएगा। अब एक बार लास्ट में 1 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से वापस से ब्लेंड करके ले रही हूँ और हमारा जो ये बैटर है केक का, ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो अब चलिए पैन को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल या बटर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर और इसको अच्छे से डस्ट कर लेंगे। ध्यान रखिए जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको आप इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हमें निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। अब देखिए जो बैटर हमने बनाया था उसको अब हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। पैन में हमें आधा ही बैटर डालना है। आधा पैन में हमें जगह रखनी, केक को फूलने के लिए भी जगह चाहिए होगी और हमें इसे अच्छे से टैप कर लेना है ताकि इसमें कोई बबल्स ना रहे। अब जो अवन है इसे मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्रीज पे और अब हम 180 डिग्रीज पे 25 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए रख देंगे। 25 मिनट बेक करने के बाद मैंने इसे बाहर निकाला है और देखिए टूथपिक से चेक करने पे इस पे कुछ भी चिपक के नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा जो केक है वो परफेक्टली कुक हो चुका है अंदर तक। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देंगे और उसके बाद देखिए मैंने इसे स्लाइस कर लिया है और ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन चुका है। मैं आपको बता नहीं सकती ये खाने में भी कितना टेस्टी था, मिठास भी बिल्कुल परफेक्ट थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।